नमस्कार, जय भीम साथियों। लाल की क्लास और अंबेडकर नामा के 46वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन की। अब आइए जरा इतिहास के पन्नों में चलते हैं कि उस समय क्या क्या हो रहा था देश में। 1930 राजनीतिक उथल पुथल, परिवर्तन, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का युग था। इस समय कई नए दृष्टिकोण विकसित हो रहे थे, सरकारी दमन भी तेज हो रहा था और आंदोलन की कई विधियां सामने आ रही थी। अगर एक शब्दों में कहें तो यह आंदोलन या सत्याग्रह का युग था। गांधी प्रयोग कर रहे थे राजनीति के क्षेत्र में और अंबेडकर प्रयोग कर रहे थे सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में। दो धाराएं एक साथ चल रही थी। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दांडी, ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ कर रही थी। 12 मार्च को उन्होंने शुरू किया था और हजारों लोग आंदोलित थे, लाखों लोग आंदोलित थे, पकड़े जा रहे थे, पुलिस की लाठियां चल रही थी, जेल जा रहे थे और ये तमाम घटनाएं उस समय घट रही थी। तो 12 मार्च 1930 को गांधी का दांडी यात्रा, दांडी मार्च, और उससे ठीक 10 दिन पहले यानी कि 2 मार्च को अंबेडकर का कालाराम मंदिर आंदोलन। तो ये दो, इसलिए मैंने कहा कि ये उथल पुथल का युग था, कई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। जो कालाराम मंदिर आंदोलन है वो 2 मार्च को शुरू हुआ, लेकिन इसकी तैयारी कई वर्ष, करीब 3 महीने पहले शुरू कर दी गई थी और अंबेडकर मुंबई में रहकर ही पत्रों के माध्यम से तथा अपने सहयोगियों के माध्यम से इस आंदोलन को दिशा दे रहे थे, उसको नियंत्रित करने, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे थे और जो भी सहयोग होगा वो देने की कोशिश कर रहे थे। नासिक में अस्पृश्य वर्ग के लोगों ने एक सत्याग्रह समिति बनाई थी उसमें, कि जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन करेगी। और इसके सचिव भाऊराव गायकवाड़ थे। उन्होंने समिति की ओर से जो मंदिर के ट्रस्टी थे उनको यह सूचित किया कि यदि नियत तिथि से पहले अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे तो वे सत्याग्रह शुरू करेंगे। साथ ही उस मंदिर में श्री राम, वहां जो लॉर्ड राम थे, उनकी पूजा करने के अपने अधिकार का दावा भी करेंगे और इसलिए वहां पूरे नासिक के दलितों को इस कार्य के लिए आह्वान किया गया। सो इस आह्वान के कॉल पे, इस आह्वान पर नासिक और आसपास के इलाकों से करीब 15,000 वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए, 15,000 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। उनमें जो कुछ प्रमुख नाम हैं, देवराव नायक, राजभोज प्रधान, शिव तारकर, पतित पावन दास और बीजी खरे, ये प्रमुख लोग उसमें थे। अब कार्रवाई का दिन आ गया, कार्रवाई का दिन अर्थात 2 मार्च 1930। 10 बजे सुबह आगे रणनीति क्या हो, कैसे सत्याग्रह को बढ़ाया जाए, इसके लिए, मतलब सत्याग्रह के तरीके कैसे हो, इसके लिए मीटिंग शुरू हुई और अंबेडकर उस मीटिंग में मौजूद थे। तो अंबेडकर ने बहुत ही एक्सप्रेसिव, बहुत ही अग्रेसिव और विचारोत्तेजक भाषण उस मीटिंग में दिया। जो भाषण उन्होंने दिया मैं आपके सामने मैं रखता हूं। उन्होंने कहा कि आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारी समस्याएं व्यापक है, यह सामाजिक समस्या भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है और सांस्कृतिक समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याएं भी, कई तरह की समस्याओं से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सो कालाराम, ऐसी स्थिति में जो कालाराम मंदिर में प्रवेश का मामला है वह हिंदू मस्तिष्क से एक तरह की अपील है कि ऊंची जाति के लोगों ने हमारा दमन किया है
और मंदिर में प्रवेश से यह प्रश्न उठेगा कि क्या वही हिंदू हमें मानव अधिकार, समानता के आधार पर मानव अधिकार प्रदान करेंगे या नहीं, क्या हिंदू, कई सवाल उन्होंने रखे भाषण में, कि क्या हिंदू मस्तिष्क हमें मानव के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक है, तैयार है। तो इस आंदोलन के जरिए, इस सत्याग्रह के जरिए इस प्रश्न को परखा जाना है। ऊंची जाति के लोग हमें हेय दृष्टि से देखते हैं और हमारे साथ कुत्तों बिल्लियों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि वही हिंदू हमें मानव का दर्जा देंगे अथवा नहीं। हम यह जानना चाहते हैं कि वही हिंदू हमें मानव का दर्जा देंगे या नहीं। यह सत्याग्रह हमें इस सवाल का उत्तर उपलब्ध कराएगा, इस सवाल का जवाब हमें देगा। तो यह आंदोलन, यह सत्याग्रह हिंदू जाति, मतलब ऊंची जातियों के दिलो दिमाग में बदलाव लाने का एक प्रयास है। इसलिए इस सत्याग्रह की सफलता, इस प्रयास की सफलता हिंदू, जो सवर्ण हिंदू हैं, उनके नजरिए पे निर्भर करती है। आगे वो कहते हैं कि राम मंदिर में प्रवेश से हमारी वास्तविक समस्याएं हल नहीं होने जा रही। हमारे जो दलित पिछड़े आदिवासी भाई हैं, जरा गौर से सुनना है इसको, कि राम मंदिर में प्रवेश से हमारी वास्तविक समस्या हल नहीं होने जा रही है। इससे हमारे जीवन में कोई आमूल परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ये ऊंची जाति के हिंदुओं के मस्तिष्क को समझने की एक परीक्षा, एक लिटमस टेस्ट है, एक परीक्षा है। क्या हिंदू मस्तिष्क नए जमाने की महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है? वह मानव को मानव की तरह व्यवहार करने को इच्छुक है? इस बात से क्या वह सहमत है कि सभी लोगों को मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए, सभी लोगों की मान सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित होनी चाहिए? इन सब का लिटमस टेस्ट है, सब की परीक्षा परीक्षण होने जा रहा है। सो इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने यह सत्याग्रह शुरू किया है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ऊंची जाति के हिंदू इन पहलुओं पर विचार करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। आगे कहते हैं कि हम जानते हैं कि इस मंदिर में पत्थर से बने भगवान की प्रतिष्ठा की गई है। उस पर केवल एक दृष्टि डालने से या उसकी पूजा करने से हमारी पूरी समस्या हल नहीं होगी, समाधान नहीं होगा। लाखों लोग इस मंदिर में आए होंगे और पूजा किए होंगे, लेकिन इस बात को नापने का कोई साधन नहीं है कि क्या उनकी समस्याएं खत्म हुई, समस्या हल हो गई। तो ये बात हम नहीं जानते, लेकिन आज हमारा सत्याग्रह हिंदुओं के दिलों में बदलाव का एक प्रयास है। इस सैद्धांतिक स्थिति के साथ हम यह सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं कि बॉल जो है सवर्ण हिंदू के पाले में डाल दिया गया है कि आप हमें बराबरी समझेंगे, बराबरी का दर्जा देंगे या नहीं देंगे। दोपहर को सम्मेलन बर्खास्त हुआ और उसके बाद फिर शुरू हुआ, पुनः शुरू हुआ। 3 बजे तकरीबन दोपहर को जो वहां लोग इकट्ठे थे, जनसमूह ने खुद को 4-4 टोलियों में विभाजित कर लिया और 1 मील दूर से पहले दूर से ही रैली की शुरुआत हो गई। मतलब रैली इतना लंबा था कि 1 मील तक लाइन लग गई। सो नासिक के इतिहास में ये ऐतिहासिक जुलूस था, पहला ऐसा जुलूस था। सबसे आगे बैंड बज रहा था, उसके बाद सेना के, उसके बाद सैन्य शैली में सैन्य जीवन से जुड़े हुए दलित थे, उसके बाद स्काउट था, उसके बाद 500 महिलाएं थी जो सत्याग्रह महिलाएं थी, और उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ चल रही थी। लेकिन यह भीड़ अनुशासित थी, यह भीड़ में अनुशासन था, एकदम निश्चय और दृढ़ निश्चय के साथ भीड़ आगे बढ़ रहा था।
तो जैसे ही यह भीड़ मंदिर के पूर्वी द्वार तक पहुंचा, वहां पे जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट और सिटी मजिस्ट्रेट मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। मंदिर के दरवाजे सभी ओर से बंद थे, इसलिए आंदोलनकारी गोदावरी तट की तरफ बढ़ गए और वहां यह जुलूस एक जनसभा में रूपांतरित हो गया, एक जनसभा में बदल गया। उसी रात 11 बजे नेताओं ने पुनः अपनी रणनीति बनाने के लिए, सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए और कैसे अहिंसक आंदोलन को बढ़ाया जाए, इसके लिए पुनः मीटिंग उन्होंने किया। तो 3 मार्च सुबह फिर शुरू हुआ आंदोलन, जिसमें 125 पुरुष और 25 महिलाएं का दल मंदिर के प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया। इसके साथ 8,000 तकरीबन वॉलेंटियर्स तो तैयार थे अपनी बारी आने की, कि हम भी मंदिर के द्वार पर तैनात होंगे। मंदिर के द्वार दरवाजे बंद थे, अवरुद्ध थे, सत्याग्रही प्रवेश द्वार पर बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे और भजन गा रहे थे। करीब 3,000 से अधिक संख्या में अछूतों की भीड़ उनके आसपास इकट्ठा हो गई, लेकिन प्रत्येक दरवाजे पर पुलिस बल तैनात था कि किसी भी आपात स्थिति का सामना किया जा सके। इसके साथ साथ वहां पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया था और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मंदिर के सामने ही टेंट लगाकर अपना ऑफिस बना लिया था। पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम था रेनॉल्ड्स। तो वही एक तरह से वो छावनी में, मंदिर जो के आसपास का एरिया जो है वह छावनी में तब्दील हो गया था। मंदिर में सवर्ण लोगों का भी प्रवेश अब बाधित हो गया था क्योंकि दरवाजे बंद थे, लेकिन उनके नेता इस गतिरोध को हल निकालने के लिए, इसका तलाशने के लिए बंद दरवाजों के पीछे जो पुजारी थे उनके यहां मीटिंग कर रहे थे। अब समस्या ये थी कि अगर दरवाजे सवर्ण के लिए खोल दी जाए तो समस्या जटिल हो जाती, कुछ हल्लांगामा और हिंसा और आंदोलन हो सकता, हिंसा हो सकता था, लेकिन बंद रखा गया दरवाजे को। तो रात को मंदिर के शंकराचार्य, उनका नाम था डॉक्टर कुर्ताकोटी, तो उनकी अध्यक्षता में नासिक के आम नागरिकों की एक सभा हुई, लेकिन उस सभा में जो रूढ़िवादी संकीर्ण सोच के लोग थे उनका एक तरह से डोमिनेंस था, बहुलता था, तो इसके कारण ये मीटिंग पूरा शोर शराबे और हंगामे में समाप्त हो गई। तो अब तक जो है जो सनातनी रूढ़िवादी हिंदू लोग थे वो काफी उपद्रवी हो चुके थे, उन्होंने सभा में पत्थर भी फेंके, जूते भी फेंके और माहौल ऐसा हो गया था उस समय कि ऐसा लग रहा था कि अगर लॉर्ड राम खुद ही आ जाएं और बोलें कि अछूतों के लिए खोल दो ये दरवाजे तो शायद राम की भी बात नहीं माना जाता, नहीं मानी जाती वहां पर, उनको भी दरकिनार करके साइड लगा दिया जाता। तो ये है बात। यह संघर्ष, यह आंदोलन, सत्याग्रह तकरीबन 1 महीने तक जारी रहा। फिर 9 अप्रैल का दिन आया। सो 9 अप्रैल के दिन परंपरा यह थी कि राम को रथ में बैठाकर और पूरे शहर में वो जुलूस निकाला जाता था। तो अब जो है जो सवर्ण हिंदू और जो अस्पृश्य वर्ग के लोग हैं तनातनी थी, तो एक समझौता हुआ और समझौता यह हुआ कि दोनों पक्षों के ताकतवर लोग, पहलवान लोग रथ को खींचेंगे दोनों तरफ से, इस पे समझौता हुआ। लेकिन इसको देखने के लिए, तो ये शहर में ये बात चली गई, इसको देखने के लिए हजारों लोग मंदिर के आसपास उनके मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो गए। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने पसंद के पहलवानों के साथ दरवाजे के समीप वहीं पे खड़े थे। सो लेकिन लीला तो हर जगह चलता है, तो लीला वहां भी हो गया कि इससे पहले कि वो रथ को स्पर्श करते, छू भी पाते, कि जो उत्पाती तत्व थे हिंदू वर्ग की ओर से उनसे झगड़ा हो गया, वो पहले प्लान था, पहले से ही प्लानिंग था झगड़ा होना है, तो उनसे झगड़ा हो गया और योजना पहले बन चुकी थी कि झगड़ा होगी और रथ लेकर भाग जाना है। तो उसी अनुसार झगड़ा हुआ और रथ लेकर वो गलियों की तरफ रथ लेकर भाग गए। उस गली के मुहाने पे
पुलिस बल का पहरा था, तो वहां पे कादरेदर नाम कर एक दलित युवक ने सशस्त्र जो घेरा था पुलिस को उसको तोड़कर और घुस गया वहां पे, और उसके साथ ही पल भर में हजारों की संख्या में दलित वहां आकर उन्होंने रथ को अपने कब्जे में कर लिया। इस झगड़े में और इस पूरे घटनाक्रम में कादरेदर बुरी तरह घायल हो गया और वो खून से लथपथ होकर गिर गया। पत्थरबाजी भी हुई और अंबेडकर को लोग सुरक्षा दे रहे थे, लेकिन अंबेडकर को भी हल्की चोट लगी। तो अब सारे शहर में अछूतों और सवर्ण हिंदुओं के बीच झगड़ा झड़पे और खुली झड़पे उस समय हुई। तो इस घटना का परिणाम यह हुआ कि जो सवर्ण हिंदू थे उनके अंदर अछूतों के प्रति बहुत ही द्वेष तो पहले से भी था, लेकिन अब और ज्यादा तेज हो गई। उन्होंने क्या किया कि जो अस्पृश्य बच्चे थे उनको, अछूत बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, अछूतों के लिए सड़कें बंद कर दी, अछूतों के लिए राशन पानी का दुकान बंद कर दिया कि राशन पानी भी उनको दुकान से नहीं दिया जाएगा। ये नाकेबंदी थी, एक तरह का आर्थिक और सामाजिक नाकेबंदी दोनों। कई गांव के अस्पृश्यों अछूतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। सो इन मुसीबतों के बावजूद नासिक में संघर्ष जारी रहा, दोनों तरफ से दोनों पक्षों के को समझाकर किसी नतीजे पे पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था। इसी समय जो हिंदू नेता थे डॉक्टर मुंजे और शंकराचार्य कुर्ताकोटी किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। अप्रैल 1930 में मशहूर करोड़पति बिरला भी अंबेडकर से मिले, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन ये इतना दृढ़ थे अंबेडकर कि इस पे समझौता करने के लिए, इस पे बगैर प्रवेश के समझौता करने के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और ये प्रोटेस्ट इतना पावरफुल था कि तकरीबन साल भर तक सवर्णों को उस मंदिर को बंद रखना पड़ा। तो जब ये मूवमेंट चला पहला फेज, तो उसमें पुलिस ने भी इधर उधर की थोड़ा सा पक्षपात किया। तो इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय के बॉम्बे के गवर्नर को, उस समय गवर्नर को एक चिट्ठी लिखा था। उस चिट्ठी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि वो जरूरी है जानना। कि चिट्ठी में यह था कि मोटा मोटी बात जो है कि मैंने आपका पत्र मुझे मिला और इससे जो है आभारी हूँ कि आपने निष्पक्षता से सरकार द्वारा इसकी जांच कराने की बात कही है, लेकिन मैं महामहिम को कि हाल की ओर घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे निपटना बेहद ही खतरनाक लगता है। जिस दिन सत्याग्रह शुरू हुआ हमने मंदिर के पुजारी का जो द्वार है इसलिए बंद किया क्योंकि उसके तरफ से आम जनता मंदिर में प्रवेश न कर पाए, क्योंकि यह दरवाजा ये रास्ता जो है जो मंदिर के पुजारी के घर जाता है इसका उपयोग नासिक के लोग मंदिर में जाने और पूजा करने के लिए करते हैं, तो इसको हमने रोका था। लेकिन इसको अगर खोल दिया गया रास्ते को तो हमारा उद्देश्य जो है वो उद्देश्य या कोई पर्पस नहीं रहेगा, उद्देश्य हमारा पीछे छूट जाएगा, उद्देश्य को निरर्थक हो जाएगा। सो इसी को रोकने के लिए सत्याग्रह समिति जिले के कलेक्टर से मिलने गई थी, लेकिन कलेक्टर ने सत्याग्रह समिति के सदस्य से मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें एक चिट देकर वापस भेज दिया जिस पर लिखा था कि हम उन सभी लोगों को हटा देंगे जो पुजारी के घर के सामने सत्याग्रह करेंगे। लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि मैं यह नहीं कहूंगा कि जिला अधिकारी का इस तरह का व्यवहार विवेकपूर्ण है या नहीं, जिस बात की तरफ मैं महामहिम का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि यदि कलेक्टर का यही रवैया रहा तो इससे तुरंत ही सरकार और दलित वर्गों के बीच टकराव की स्थिति
पैदा हो जाएगा। हमारा वास्तविक विवाद सवर्ण हिंदुओं से है और मैं ऐसी हर परिस्थिति को नजरअंदाज कर रहा हूं जिससे सवर्ण हिंदू एक तरफ छूट जाएं और सत्याग्रह सरकार और दलित वर्गों के बीच का मामला हो जाए। ये हम सरकार से अब इस मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए इस लड़ाई को हम सरकार और अछूतों के बीच का लड़ाई नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन यदि सरकार पुजारी को अब निजी प्रवेश द्वार आम रास्ते के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देती है और इस तरह हमारे उद्देश्य को निष्फल करने की असफल करने की कोशिश करती है तो हमारा सरकार से संघर्ष अवश्यंभावी है और अपरिहार्य हो जाएगा। हम किसी भी स्थिति में पुजारी को यह नया स्टंट अपनाने की अनुमति नहीं दे सकते और इस तरह से सत्याग्रह को निरर्थक बनाने को हम हर प्रयास को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर प्रयास को हम उसका विरोध करेंगे, चाहे इससे हमारे और सरकार के बीच ये झगड़ा क्यों नहीं हो। ये चिट्ठी उन्होंने लिखा था। इसके बाद एक और चिट्ठी लिखा जो चिट्ठी लंबा है और वो अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि ये अभी कई एपिसोड में चलेगा तो इसको गंभीरता से सुनना है। और ये बात, ये सारी घटनाएं मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये घटनाएं कोई इतिहास नहीं, जो इतिहास आपके इर्द गिर्द ये घटनाएं होती नजर आएंगी तो आपके पास ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसके क्या कारण हैं इसको समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं पढ़ के आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। अच्छा लगे साथियों तो पूरा सुनना है, कम्प्लीट सुनना है, कम नहीं सुनना है और इसको शेयर भी करना है, दोस्तों के बीच पहुंचाना है। शुक्रिया साथियों, जय भीम।